योगी जी, केजरीवाल, अखिलेश ऐसे बैठे रहोगे? आज तो तुम लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हो, ना मेरे केले खरीद रहे हो, ना राहुल की सेब खरीद रहे हो, आज तुम कुछ खाई भी नहीं रहे हो। अरे हम तुम्हारे लिए ही तो ये फल की दुकान लेकर बैठ जाते हैं कि चलो इस गर्मी में इस नीम के पेड़ के नीचे बैठना का बैठना हो जाएगा और कुछ फल बिक के आमदनी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं दो दिन से तुम मेरे केले खरीद ही नहीं रहे हो। हाँ मोदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके केले तो ये खरीद ही नहीं रहे, मेरे सेब कौन से खरीद रहे हैं? वो देखो अखिलेश पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, पहले तो ये तीन तीन चार चार सेब खा जाता था, लेकिन अब ये दो तीन दिन से एक भी सेब नहीं खा रहा है मेरा खरीद कर। राहुल भैया, आप तो यहाँ पर हमसे मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये बताओ, सेब का रेट मंडी में 100 रुपए किलो है और आप यहाँ पर बैठ के 200 रुपए किलो बेचते हो। आप तो ये सोचते हो कि ये लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ही, फल खरीदने के लिए कहीं दूर थोड़ी जाएंगे, हम ही से खरीद कर खाएंगे। लेकिन अखिलेश, मैं तो अपने केलों को सब्जी मंडी के रेट में ही बेच रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं खरीद रहे हो। मैं 20 रुपए के 12 केले बेच रहा हूँ, मंडी में भी यही रेट बिक रहे हैं केले। लेकिन मोदी जी, अखिलेश को तो केले खाना पसंद ही नहीं है, ये तो सेब ही खाता है और सेब राहुल ने महंगे बेचना शुरू कर दिए, इसीलिए वो सेब खरीद ही नहीं रहा, आराम से पेड़ पे बैठा पड़ा है। हाँ, केले खाना मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी, केलों का रेट थोड़ा और सस्ता करो, तभी एक दर्जन केले खरीद लूंगा। चलो योगी जी, आप कहते हो तो 15 रुपए के 12 केले दे दूंगा, 15 रुपए के एक दर्जन केले। अखिलेश, मैं भी अपने सेब का रेट कम कर देता हूँ, तुम्हें सेब खाना बहुत पसंद है, सेब का रेट मैं अब 150 रुपए किलो कर देता हूँ। लेकिन राहुल भैया, बात तो यहीं आकर रुकती है, मंडी में तो सेब 100 रुपए किलो बिक रहा है, 150 रुपए किलो के हिसाब से हम सेब क्यों खरीदें? अरे योगी जी, अखिलेश तुम भी बेफालतू की झिकझिक लगाए पड़े हो। ये बताओ, ये मोदी जी और राहुल जी शहर से मंडी से फल खरीद के लाते हैं, तो ये फल तुम्हें क्या जिस रेट में खरीद के लाएंगे उसी रेट में दे देंगे, फिर कमाएंगे क्या? तुम्हें अगर मंडी के रेट में फल खरीदना है, जाओ शहर, जाओ शहर, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, भाड़ा खर्च नहीं होगा जाने आने का, इसलिए थोड़े से ही प्रॉफिट में मोदी जी और राहुल जी फल बेचते, उनके फल खरीदो। मोदी जी मुझे तो एक दर्जन केले दो और राहुल जी आप मुझे एक सेब दे दो, और दोनों लोग पैसे बताओ कितने रुपए देना है आपको। केजरीवाल जी, आपकी बात मुझे पसंद आई। अखिलेश, तुम ऐसे पेड़ पे बैठे रहो, तुम कुछ नहीं खरीदोगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, मैंने आपको कितनी बार मना किया है लेकिन आप मानते नहीं हो फिर भी। अरे तुम रोड पर इस ऑटो रिक्शा को खड़ा कर लेते हो जिसमें तुम गोलगप्पे बेचते हो, जिससे कि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, रोड पर जाम लगने लगता है, इसीलिए तुम्हें इस ऑटो रिक्शा को हटाना होगा। अरे राहुल सर जी, कैसी बात करते हो, एक गोलगप्पा खिलाऊं खट्टे में खिलाऊं या मीठे में, बताओ कौन सा पानी डालूं गोलगप्पे के अंदर? मोदी जी आप बात को घुमा रहे हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि रोड पर ये ऑटो रिक्शा खड़ा कर गोलगप्पे क्यों बेचते हो, भीड़ जमा होती है जिससे कि जाम लगता है। लेकिन मैं भी तो आप ही से कह रहा हूँ, इस गोलगप्पे में खट्टा वाला पानी डाल दूं आपका मन पसंद। राहुल सर जी, ये ऑटो रिक्शा तो इस रोड से हटा ही लूंगा, एक प्लेट पानी पूरी तो खा लो, गोलगप्पा तो खा लो। जब मोदी जी आप इतने प्यार से कह रहे हो तो खिला दो, लेकिन मोदी जी खट्टा थोड़ा ज्यादा बनाना, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। देखा अखिलेश तुमने, अभी ये राहुल सर जी मोदी जी के ऑटो रिक्शा को हटा रहे थे रोड से, एक गोलगप्पे में ही मान गए। अरे लालू जी, क्या हल्की हल्की अखिलेश से बातें कर रहे हो, जोर से बोलो, बताओ क्या बात कर रहे हो। लालू जी, आपको इस तरीके की बात करने की क्या जरूरत थी, देखो राहुल सर जी ने सुन लिया, इन्हें जल्द से जल्द गोलगप्पे खा लेने दो और गोलगप्पे खाकर ये जल्दी से जल्दी जाएं यहाँ से, मेरे मुंह में पानी आ रहा है खड़े खड़े मोदी जी के गोलगप्पे देखकर, ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी मोदी जी के गोलगप्पे खाने को मिले। ये राहुल सर जी दो गोलगप्पे तो खा चुके, कितने और खाएंगे मोदी जी से। मोदी जी खट्टे गोलगप्पे तो खा लिए, अब थोड़े मीठे में बना दो, मीठे में, आपने बहुत ज्यादा खट्टे गोलगप्पे बना दिए, थोड़ा मीठे पानी में बना दो। अरे राहुल सर जी, आप ही ने तो कहा था कि ज्यादा खट्टे में बनाना, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। अब राहुल सर जी, आज तो मैं इस ठेले को यहाँ पर रोड पर लगाकर गोलगप्पे लोगों को खिला सकता हूँ। हाँ मोदी जी खिला सकते हो, लेकिन आज ही आज खिलाना इस रोड पर इस ऑटो रिक्शा को खड़ा करके गोलगप्पे, समझे? रोज रोज ये नहीं चलेगा, रोज तुम मुझे एक दो गोलगप्पे खिला देती हो, मेरा दिल पसीज जाता है और मैं तुम्हें इस रोड पर गोलगप्पे खिलाने के लिए दे देता हूँ। अब राहुल सर जी हट भी जाओ, हम भी लाइन में खड़े हुए हैं, बहुत देर से खड़े, मोदी जी के गोलगप्पे हमें भी खा लेने दो। आपने तो दो तीन गोलगप्पे खा लिए, हमें तो पैसे देकर गोलगप्पे खाना है। लालू जी बेफालतू की बात मत करो, क्या मैं फ्री में गोलगप्पे खाता हूँ मोदी जी से? मैं तो मोदी जी को पैसे देना चाहता हूँ, ये पैसे लेते ही नहीं है मुझसे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
सोनिया जी आज तो मोती चूर के लड्डू खाऊंगा। आप कितने दिन से पूछ रही थी, कोई चिट्ठी आई कोई चिट्ठी आई, आखिरकार चिट्ठी आ ही गई। लो राहुल की जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। मोदी जी आज आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। एक साल से मैंने राहुल की नौकरी के लिए जल विभाग में अर्जी दी हुई थी, आखिरकार राहुल को नौकरी मिली गई जल विभाग में। राहुल आ भी गया। राहुल बेटा देख, तेरी जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। देख मोदी जी चिट्ठी लेकर आए। मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे गांव छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे खेतीबाड़ी ही करना है। मैं किसी हाल में भी जल विभाग में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे मेरे बेटे कैसी बात करता है, इस नौकरी के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे। तू खुश नसीब है तुझे ये नौकरी मिल गई। केजरीवाल जी अखिलेश सबने फॉर्म भरा हुआ था इस नौकरी के लिए, लेकिन तुझे फिर भी नौकरी मिली। मोदी जी आप ही समझाओ इस राहुल को। राहुल सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं, इस नौकरी के लिए कई लोग पीछे पड़े हुए थे। अखिलेश केजरीवाल ये भी रोज पूछते थे कि इनकी नौकरी की चिट्ठी आई, नौकरी की चिट्ठी आई, लेकिन किसी की चिट्ठी नहीं आई, चिट्ठी सिर्फ तुम्हारी आई। लो अखिलेश आ भी गया। मोदी जी मेरी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी आई क्या? अखिलेश अब तुम्हारी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी नहीं आएगी, वो नौकरी राहुल को मिल चुकी है। मोदी जी ऐसा नहीं हो सकता, मैंने 2 साल से जल विभाग में नौकरी की अर्जी दे रखी थी, मुझे नौकरी नहीं मिली और राहुल भैया को मिल गई। मैं आपकी साइकिल में जितनी भी चिट्ठी है इन्हें खोल कर देखूंगा, शायद मेरी चिट्ठी हो। अखिलेश जब मैं मुंह से कह रहा हूँ कि तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, साइकिल के पीछे रखी चिट्ठियों से हाथ हटाओ अपना। और लालू जी कैसे खड़े हो? राम राम। मोदी जी आज लालू जी नहीं बोलेंगे, आज उन्होंने मौन व्रत धारण करा हुआ है। राहुल सुना तूने, तुझे इस नौकरी पर जाना ही होगा। मम्मी जी आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ। यहीं पे खेतीबाड़ी करता रहूंगा गांव में। गांव छोड़कर मुझे शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे बेटे बीच बीच में घर पे आते रहना, एकदम तू शहरी में थोड़ी रहने लगेगा। सोनिया जी रहने दो, जब राहुल का नौकरी करने का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत करो, ये नौकरी अखिलेश को दे दो। और मानो को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।